अगर आप लोग को 29 रुपीज का ऑफर आता है तो लिटरली आप लोग क्या करते हो, अगर आप लोग 18 प्लस हो तो आप लोग सबसे पहले जाके रिडीम उडीम बना करके आप लोग यहाँ से परचेस कर लेते हो। लेकिन जो 18 प्लस से कम होंगे उसके पास तो ना बैंक अकाउंट होगा ना रिडीम कोड बनवाने के लिए, वो घर से बाहर जा सकते हैं। तो लिटरली उन सभी बंदों के लिए मैं अवेलेबल हूँ, मैं उस बंदे का गाइस यहाँ पे ऑफर परचेस करके देने वाला हूँ, ठीक है। और मैं कैसे करके देने वाला हूँ और ये वीडियो क्लिप क्या चल रहा है वो सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो जानने से पहले मैं ऋषभ और आप देख रहे हो ऋषभ गेमिंग यूट्यूब चैनल। मेरे भाई चैनल अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, तो जो भी बंदे चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बंदे का डीएम आता है और वाइज वो मेरे को बोलता है कि मेरे को 29 रुपीज का ऑफर आया तो आप मेरे को परचेस कर दो। लिटरली मैं यहाँ पे तैयार हो जाता हूँ, ठीक है। लेकिन गाइज उस बंदे को मैंने बस एक ही रिक्वायरमेंट बताए थे, देखो भाई मेरे को यूट्यूब के लिए वीडियो चाहिए तो आप मेरे को आईडी पासवर्ड दे दो, मैं जो है आपको ऑफर परचेस करके दे दूंगा। बात तो सही है लेकिन वो बंदा साफ मना करता है भाई, सही करता है। देखो गाइस आज तक इतने सारे आईडी स्कैम हुए ना जिसके कारण बहुत सारे बंदे जो है किसी भी बंदे पर बिलीव करना छोड़ दिए हैं, ठीक है। मतलब भाई किसी भी बड़े बड़े यूट्यूबर सब का मैंने सुना है कि भाई वो आईडी स्कैम कर लेते हैं। तो भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अपने मुँह से बोल रहा हूँ तो आप लोग लिटरली आप लोग बोलोगे कि भाई अपने मुँह से अपना बुराई करता है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो गाइस ये लिटरली है कि मैं किसी भी बंदे का आईडी हैक नहीं करता हूँ ना कुछ करता हूँ। भाई ऑफर की जरूरत है, मेरे को कंटेंट की जरूरत है, आप मेरे को आईडी पासवर्ड भेजो, अगर कुछ भी होता है आप मेरे पे लीगल एक्शन ले सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो गाइस जिस भी बंदे का अगर आईडी में ऑफर आता है तो लिटरली आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं हर एक बंदे का यहाँ पे गाइस आप लोग को आईडी में ऑफर परचेस करने के देने वाला हूँ, चाहे वो 9 रुपीज़ का हो या 29 रुपीज़ का, मतलब जितने का भी होगा 9 या 29 से अंदर का मैं वो हर चीज़ परचेस करके देने वाला हूँ। तो आप लोग टेंशन फ्री हो जाओ मेरे भाई। और आप लोग जो सोच रहे हो कि भाई आईडी स्कैम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं 100% प्रूफ के साथ बताता हूँ। अगर आप लोग के पास ऐसा होता है तो मैं अपना आईडी दे दूंगा, अगर आप लोगों ने कभी भी कोई भी प्रूफ निकाल के दे दिया कि मैं किसी बंदे के साथ ऐसा कर दिया हूँ तो मैं अपना आईडी आप लोग को दे दूंगा।